हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चे। आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ वो मैं कक्षा 6 से यानी कि 6th स्टैंडर्ड से हिंदी व्याकरण से वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 11 और क्या पढ़ेंगे, कारक। पाठ 11 से बच्चे हम कारक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बरगद का विशाल सा पेड़ है और उस पर बहुत सारे बगुले बैठे हुए हैं, नेवले, सांप, सभी लोग हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था, उस पर अनेक बगुले रहते थे। उसी पेड़ के कोटरे में एक सांप भी रहता था। वह बगलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। इससे बेचारे बगले बहुत दुखी थे। उन्होंने एक कछुए को अपना दुख बताया। कछुए ने सोचा यह मेरे जन्म का शत्रु है, इन्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के साथ साथ इन बगलों का भी विनाश हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, वट वृक्ष से थोड़ी दूर एक नेवले का बिल है, आप नेवले के बिल से लेकर कोटर तक मछली के टुकड़े डाल दें ताकि उस रास्ते से जाकर नेवला सांप को मार दें। उपयुक्त गद्यांश में मैं, का, पर, के, को, ने, से वे शब्द हैं जो पूरे गद्यांश के शब्दों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। यदि ये शब्द ना लगाए जाए तो गद्यांश का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा। ये भी शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। अब देखिए 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है। कारक के उपयुक्त 8 भेदों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिसमें उनकी पहचान होती है। आओ जानें। पहला हो गया कर्ता, दूसरा हो गया परसर्ग, तीसरा पहचान और फिर प्रयोग। तो कारक में आ गया कर्ता, परसर्ग और विभक्ति चिन्ह मतलब ने, पहचान मतलब किसने, कौन, और प्रयोग में माँ ने खाना बनाया, महेश पढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए 8 जो कारक था, तो पहला तो हो गया कर्ता, पहला हो गया क्या हो गया कर्ता, दूसरा हो गया कर्म। अब देखिए कर्म को क्या, किसको, कहाँ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, पिताजी ने दफ्तर गए, मतलब सबका अलग अलग तरीका है। करण में विभक्ति चिन्ह क्या होगा से के द्वारा। कर्म में विभक्ति चिन्ह क्या होगा, को। और यहाँ भी देखिए कर्ता में विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, ने। उसी प्रकार से संप्रदान में विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, के लिए। आपादान में विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, से, अलग होना। और संबंध का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। अब साथ में है अधिकरण। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, में और घर। अब संबोधन में है विभक्ति चिन्ह, जैसे कि कोई हम संबोधन जिसको करते हैं, संबोधित करते हैं, संबोधन में क्या हो गया, हे, जैसे बोलते हैं ना हरे राम, हे, अरे, हे प्रभु। अब देखिए यहाँ पे हे और अरे हो गया विभक्ति चिन्ह। संबोधन का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, हे और अरे। तो इसमें देखिए हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी दया करो, हे राम कहाँ आ गए, इसे बोलते हैं। और फिर उसी में देखिए अधिकरण में है मैं और घर, जिसमें किसमें किस पर कहाँ। अब देखिए शेर गुफा में रहता है तो मैं आया, मेज पर पानी का जग रखा है तो पर आया, सॉरी यहाँ पे घर नहीं होगा पर होगा, यहाँ पे पर होगा घर नहीं होगा। अब संबंध में है
का की के रा री रे, मतलब बीच में अगर का लगाएंगे तो हम उसको जोड़ सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। अब जैसे सुरेश का भाई कमलेश है, अब देखिए यहाँ पे कितना ईजी है, सुरेश का भाई कमलेश है, तो सुरेश भाई कमलेश है ये तो नहीं बोल सकते हैं, तो बीच में जब का लगा दिए तो का लगाने से क्या हो गया, संबंध आ गया। सुरेश का किसका भाई है, सुरेश का भाई संबंध है, तो संबंध जहाँ आएगा वहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आएगा, का की के रे रा री रे ये सब आएगा संबंध में, जहाँ पे हमको संबंध दिखाता है वहाँ का विभक्ति चिन्ह होगा का के। अब देखिए आपादान, आपादान मतलब अलग होना, से आपादान का विभक्ति चिन्ह होगा से। अब देखिए सांप से सब डरते हैं, तो सांप से सब डरते हैं मतलब अलग हो गया, सांप से सब डरते हैं। एक सेकेंड, अब देखिए करण, करण का विभक्ति चिन्ह हो गया से और के द्वारा, किससे किसके द्वारा, राधिका गुड़िया से खेलती है, राधिका किससे खेलती है, गुड़िया से खेलती है, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। अब कर्म में हो गया को, तो जहाँ पे कर्म आएगा वहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आ जाएगा, को, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पे क्या हो गया कर्म, कर्म हो रहा है पुलिस ने, कर्म हो रहा है पुलिस ने चोर को पकड़ा, यहाँ पे कर्म किया किसने, कर्म किया पुलिस ने चोर को पकड़ा, पिताजी दफ्तर गए। ठीक है, अब चलिए अब पहला है कर्ता कारक, कर्ता कारक का परिभाषा हम देखते हैं, कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह क्या हो गया ने, शब्द के जिस रूप से कार्य करने का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है, जैसे लड़का ने फुटबॉल का मैच खेला, छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इन वाक्यों में लड़के तथा छात्र कर्ता है, जो मैच खेलने तथा पढ़ने का काम कर रहे हैं, वो मतलब कि काम कर रहा है, परंतु इन वाक्यों में आपने देखा कि केवल अपने वाक्य में ही कर्ता के साथ ने चिन्ह लगाया गया है, मतलब विभक्ति चिन्ह क्या हो गया कर्ता के साथ ने, जबकि दूसरे में ने चिन्ह नहीं लगा है। इसका अर्थ यह हुआ कि कभी कभी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होते हुए भी कर्ता कारक होता है, क्योंकि उसमें क्रिया करने वाला कर्ता ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं कर्म कारक, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया को, वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, जैसे माताजी सब्जी लेने जा रही है, माताजी क्या करने जा रही है, कौन सा कर्म करने के लिए जा रही है, माताजी कौन सा कर्म करने के लिए जा रही है, यहाँ पे कर्म कारक का है माताजी सब्जी लेने बाजार जा रही है, कार्तिक ढोल बजा रहा है, तो वो कौन सा कर्म कर रहा है, वो ढोल बजा रहा है। ठीक है, इन वाक्यों में सब्जी बाजार तथा ढोल शब्द कर्म कारक है, इनमें बाजार तथा खेल कर्म के बाद जो कर्म के बाद को परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु यहाँ कहाँ क्या आदि प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, जैसे माताजी सब्जी लेने कहाँ जा रही है। ठीक है, अब तीसरा करण कारक, करण का विभक्ति चिन्ह हो गया से और के द्वारा, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं, जैसे हम बस में से गोवा जा रहे हैं, हम बस से कहाँ जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, मजदूर ने फावड़े से मिट्टी खोदी, मजदूर ने किससे खोदी, फावड़े से, तो यहाँ पे से का प्रयोग हुआ। अब इन वाक्यों में बस और फावड़ा वे साधन है जिसके द्वारा क्रियाएं संपन्न हुई है, अगर फावड़ा और बस को नहीं दिखाया जाता तो क्रियाएं संपन्न नहीं होती, हम किसके द्वारा गोवा गए, हम किसके द्वारा गोवा गए, तो हम बस के द्वारा गए, तो बस इन वाक्यों में बस को अगर नहीं दिखाया जाता तो उसके द्वारा कौन सा क्रिया संबंध, जिनके द्वारा क्रियाएं संपन्न ही नहीं होती, अगर बस नहीं दिखाया जाता तो क्रिया संपन्न नहीं होती, इसलिए ये करण कारक है। अब है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया के लिए और को, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक कहलाता है, जैसे दादाजी बच्चों के लिए खिलौने लाए, सेठ जी द्वारा गरीबों को कंबल बांटे गए, तो किसके द्वारा, तो दादाजी और सेठ जी, तो दादाजी आए और सेठ जी आए, तो दादाजी के द्वारा, दादाजी के द्वारा खिलौने लाए गए, दादाजी के द्वारा बच्चों के लिए खिलौने लाए गए ना, सेठ जी के द्वारा गरीबों को, सेठ जी द्वारा गरीबों को कंबल बांटे गए, तो इसमें क्या हो गया, दादाजी और सेठ जी करता है,
जिसके द्वारा बच्चों तथा गरीबों के लिए कार्य किया गया है, अतः यह संप्रदान कारक है। तो जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे ही हम संप्रदान कारक कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, मूल रूप क्या हो गया, दादाजी और सेठ जी, ये दोनों क्या हो गए, कर्ता हो गए। तो जिसके द्वारा बच्चों तथा गरीबों के लिए कार्य किया गया है अतः यह संप्रदान कारक है। अब है आपादान कारक। आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया से। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना करने आदि भावों का पता चलता है उसे हम आपादान कारक कहते हैं। फिर से सुनिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने डरने, तुलना करने आदि भावों का पता चलता है उसे हम आपादान कारक कहते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पर डर लगने वाला हो गया, तुलना करने वाला हो गया, अलग करने वाला हो गया, तो ये सब आपादान हो गया। जैसे लड़का छत से गिर पड़ा, खरगोश कछुए से तेज भागता है, तो यहाँ पे खरगोश कछुए से तेज भागता है, यहाँ पे तुलना वाली बात हो गई, तुलना हो गई ना, खरगोश कछुए से तेज भागता है तो यहाँ पे तुलना किया गया। लड़का छत से गिर पड़ा तो लड़का डर वाली बात हो गई, लड़का छत से गिर गया तो भाई वो जिंदा है या मर गया, तो डर वाली बात हो गई। तो इन वाक्यों में छत तथा कछुए आपादान कारक हैं, क्योंकि इनसे अलगाव अथवा तथा तुलना के भावों का पता चल रहा है। समझ रहे हैं ना, इन वाक्यों में छत तथा कछुए आपादान कारक हैं क्योंकि इनसे अलगाव तथा तुलना के भावों का पता, जहाँ पे तुलना के भावों का पता चले, जहाँ पे डरने वाली बात हो उसको हम आपादान कारक कहेंगे। अब है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है, जहाँ पे हम जिस चीज़ को जोड़ने से हमारा संबंध स्थापित होता है तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया का, की, के, रा, री, रे। मतलब संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं तथा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे आज नीतू के भाई का जन्मदिन है, जैसे हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है, तो किसके भाई का जन्मदिन है, तो नीतू के भाई का जन्मदिन है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, यहाँ पर संबंध दिखाया गया, किसके भाई है, तो उसका भाई है, तो उसकी बहन है। जैसे राम की बहन का जन्मदिन है तो किसके, तो यहाँ पर भी संबंध दिखाया गया है, राम के बहन का। तो संबंध दिखाया, जहाँ पर संबंध दिखाया जाता है, हमारे किसके विद्यालय में, तो हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है, तो यहाँ पर संबंध का पता चलता है। तो जहाँ पर संबंध का पता चले तो वो हो गया संबंध कारक। तो वहाँ पर विभक्ति चिन्ह का क्या प्रयोग करेंगे, तो वहाँ का विभक्ति चिन्ह हो गया का, की, के, ये सब उसमें विभक्ति चिन्ह हो गया। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखिए, इन वाक्यों में नीतू का तथा भाई का एवं हमारे तथा विद्यालय का संबंध का पता चल रहा है, इसलिए ये संबंध कारक है। अब ये अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह हो गया में और पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय अथवा स्थान आदि का पता चले उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कमरे में बच्चे खेल रहे हैं, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कमरे में बच्चे मतलब कि समय का पता चलता है, जहाँ पे आधार, समय, स्थान, कहाँ पर खेल रहे हैं, तो अभी मैदान में खेल रहे हैं या कमरे में खेल रहे हैं या बाजार में खेल रहे हैं या किसी महोत्सव में खेल रहे हैं या कहाँ पे छत पर खेल रहे हैं, तो कहाँ पर खेल रहे हैं, तो जहाँ पे समय, स्थान क्या दिखाया गया, यहाँ पे स्थान क्या हो गया, यहाँ पे स्थान हो गया कि कमरे में बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कहाँ स्थान का कहाँ पे प्रयोग हो गया, स्थान का प्रयोग हो गया कमरे में बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ पर स्थान हो गया छत पर कपड़े सूख रहे हैं, तो कहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं, तो छत पर कपड़े सूख रहे हैं। इन वाक्यों में कमरे में तथा छत पर अधिकरण है क्योंकि ये खेल रहे हैं तथा सूख रहे हैं क्रियाओं के आधार है। तो यहाँ पे कमरे में और छत पर, मैं आपको पहले ही बताई, कमरा हो गया और छत हो गया मेन, तो स्थान कहाँ है, स्थान कमरे में। अगर यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे मैदान में खेल रहे थे, यहाँ पे स्थान कहाँ हो गया, मैदान हो गया। अभी बच्चे सिलवासा में स्टेडियम में खेल रहे हैं, बच्चे सिलवासा के स्टेडियम में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे स्थान कहाँ हो गया, सिलवासा का स्टेडियम हो गया वो स्थान हो गया। तो बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं, स्टेडियम में खेल रहे थे, स्टेडियम क्या हो गया, स्थान हो गया। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय, स्थान आदि का पता चलता है उसे ही हम अधिकरण कारक कहते हैं।
इन वाक्यों में कमरे, छत पर, मान लो अभी सिलवासा के स्टेडियम बताया गया, तो स्टेडियम ये सब क्या हो गया, आधार हो गया। अभी है संबोधन कारक। अब संबोधन कारक आठवां है, संबोधन कारक। संबोधन कारक के अंदर में क्या आ गया, विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, हे, अरे। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर, हे ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दो, तो यहाँ पे हम क्या संबोधन किए, मतलब किसके लिए, हे ईश्वर, हे अरे 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 भाई, हे राम, तो ये सब क्या हो गया, संबोधन हो गया। हम लोग ऐसे बातों बातों में भी करते ना, अरे भाई, अरे राम, कहाँ पे आ गए, कहाँ फंस गए, तो हम लोग ये जो बात करने का जो तरीका हुआ, हे राम जो हो गया, ये हो गया संबोधन। अरे भाई आप कहाँ जा रहे हो, इनमें हे तथा अरे भाई संबोधन कारक है, हे राम संबोधन कारक है। तो जहाँ पर जिन संज्ञा का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारण कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। तो बच्चे आज जो हम पढ़ाए, आज कारक के विषय में हम जाने, और कारक के आठ भेद होते हैं, कारक के आठ भेद के बारे में भी आपको बता दिया गया है, और सबकी परिभाषा भी मैं आपको बता दी, सबकी एक्सप्लेन भी मैंने अच्छी तरीके से कर दी, और इसका प्रश्न उत्तर भी हम आपको लिख करके भेजेंगे। अभी जैसे यहाँ पे दिया गया है कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो अभी लेसन हम पढ़े हैं, पाठ पढ़े हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं, कारक के आठ प्रकार होते हैं, कर्म कारक ये सब अभी पढ़े हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, आपादन कारक, आपादन कारक किसे कहते हैं, ये सब मैं आपको अभी देखिए। सही कारक चिन्ह चुनकर रिक्त स्थान में भरो। अब यहाँ पे है सही कारक चिन्ह चुनकर रिक्त स्थान में भरो, तो कविता के आगे क्या होगा, कविता ने होगा, कविता ने कहा कि किताब ले आओ, तो यहाँ पर क्या होगा, कविता और ब्लैक ब्लेंड्स, ब्लैक 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 कहाँ, और फिर डैश 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 किताब ले आओ, तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ कविता और कहा ने कहा के बीच में क्या होगा, कविता ने हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ने, और कविता ने कहा कि किताब ले आओ, तो यहाँ पे क्या होगा, की होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।